गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपकी क्लास में स्पर्शी रेखा और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। आपकी अवकलज के अनुप्रयोग के दो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुके हैं, 6A और 6B। तो हम लोग की नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 6C, और इसके लिए जो आपका आज का टॉपिक है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की बात करेंगे, टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। देखिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब की बात करें, ये दोनों रेखा ही हैं। जो रेखा का समीकरण आपने वहाँ पे पढ़ा था, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1 = mx-x1, जहाँ पर m प्रवणता होती है, जिसको आप कहते हैं tan थीटा, जहाँ पे थीटा या अक्ष की धन दिशा से बना कोण होता है। और अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आपको पता है y2-y1 / x2-x1, ठीक है, तो इसका भी समीकरण y-y1 = mx-x1 हो जाता है। तो वहाँ यहाँ पर भी बिल्कुल आपके पास वही स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण कुछ वैसे ही इसी टाइप के होंगे, बस अंतर क्या है प्रवणता का। अब यहाँ पर देखिए, हम चूँकि अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी प्रवणता है स्पर्श रेखा की, वो dy/dx कहलाती है। dy/dx क्या होती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी भी स्पर्शी की प्रवणता जो होती है वो dy/dx होती है। चूँकि अगर जब हम बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम ग्राफ एक बनाते हैं, अगर ये आपका कोई वक्र है, ठीक है, ये स्लोप है आपका ये, और अगर इस स्लोप की हम बात करें, तो अगर आप किसी पॉइंट पर जब आप dy/dx देखते हो, ठीक, तो dy/dx को ही आप ढाल कहते हैं, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं। तो इसीलिए वो क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। सपोज दैट ये अगर ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी स्पर्शी कहलाएगी, स्पर्शी कहलाएं, ठीक, और ये जो पॉइंट है वो आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक, इस पॉइंट पर जो आप dy/dx निकालते हो, तो यही उसकी ढाल कहलाती है, यानी प्रवणता कहलाती है, ठीक है, स्लोप। और अगर इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, ये अभिलंब बाद में डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, और ये जो आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो ये क्या होता है, अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों क्या होते हैं, परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो सकता है। अब देखिए, अगर हम वक्र की बात करें, अगर आपके पास वक्र का समीकरण है y = fx, कोई वक्र है y = fx, यानी वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है, ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है m, वो कहलाती है dy/dx, ठीक है, ये कहलाती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसकी प्रवणता कहलाती है। अगर आप स्पर्श बिंदु हमारे पास हो, अगर हम स्पर्श बिंदु की बात करें, और वो हमारे पास है x1, y1, तो x1, y1 पर dy/dx हम फाइंड करेंगे, तो स्पर्शी का समीकरण इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। स्पर्शी का समीकरण कह लें या स्पर्श रेखा का समीकरण कह लें, तो ये आपके पास हो जाएगा y-y1 = mx-x1, जहाँ पर अगर हम m की बात करें, तो m आपके पास होगा dy/dx, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई स्पर्श रेखा का समीकरण। इस तरीके से आप स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ हम नोट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहें या फिर इसको आप ढाल भी कहते हैं, ठीक है। ये है नोट नंबर वन। यदि यक्ष अक्ष की धन दिशा से बना कोण क्या हो, थीटा हो, तो आप जानते हैं जो प्रवणता होती है यम बराबर टैन थीटा होती है। और अगर हम इस यम की वैल्यू हम डी बाई डीएस रख लें, क्योंकि इसको भी आप प्रवणता ही कहते हैं, तो डी बाई डीएस इसके इक्वल हो जाएगा टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, थीटा को आप झुकाओ या फिर आनति कहते हैं, इसका झुकाव स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का झुकाव ये क्या कहलाता है, थीटा, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं स्पर्श रेखा का झुकाव या फिर आनति क्या कहलाती है आपके पास, थीटा कहलाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहीं कहीं पर अब यहाँ पर आपके पास साई दिया होगा, ठीक है, साई का चिन्ह कुछ इस तरीके से बना होता है, तो यहाँ पर बुक में आपके पास इस तरीके से बना होगा, ये साई कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम साई का इस्तेमाल ना करके हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक है, तो हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। स्पर्श रेखा का झुकाव या आनति क्या कहलाएगी, थीटा कहलाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। अगर स्पर्श रेखा या सच के क्या है, समांतर है, स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के समांतर, अब अगर स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये समांतर है थीटा जीरो हो जाएगा। अब अगर थीटा जीरो है तो डी बाई डी एस क्या हो गया, इस केस में जीरो हो गया। इसका मतलब अगर स्पर्श ही यक्ष अक्ष के समांतर है तो डी बाई डी एस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेंशन आप कर सकते हैं, स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर इसके किस पे होगी, वाई अक्ष पे लंब होगी, तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि वाई अक्ष पर क्या हो, लंब, वाई अक्ष पर लंब, ऐसा भी कह सकते हैं। नोट नंबर चार, यदि स्पर्श रेखा क्या हो जाए, ये तो यक्ष अक्ष के समांतर हो गया, अब हम बात करते हैं वाई अक्ष, यदि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर हो ठीक। अब अगर वाई अक्ष के समांतर है तो वाई अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब यक्ष अक्ष कितना एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी। अब सपोज दैट थीटा 90 हो गया, तो अगर इस केस में थीटा 90 होगा तो थीटा 90 के टैन 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो डी बाई डी एस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी को आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई 1/∞ और 1/∞ जीरो, इसका मतलब कौन जीरो होगा, डी एक्स अपान डी वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है तो क्या होगा, डी एक्स अपान डी वाई आपके पास जीरो हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने किया हुआ है, इस केस में थीटा क्या होगा, 90। अगर वाई अक्ष पे समांतर है इसका मतलब किस पे लंब होगी, यक्ष अक्ष पर लंब होगी, तो कहीं कहीं पर इसका केस उल्टा भी लिख देता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। इस केस में जो थीटा होगा वो जीरो अंश होगा और इस केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ आपने हाई स्कूल में और पढ़ा रखा था, प्रतिच्छेद कोण निकालने का, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण अगर आपको दिया हो तो किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे अभी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, मान लीजिए वक्रों के समीकरण आपके पास हैं, एक समीकरण है y इज इक्वल टू एफ वन एक्स और दूसरा समीकरण है y इज इक्वल टू एफ टू एक्स। और तो यहाँ से हम m1 निकालेंगे, m1 क्या होगा, dy वाई अपॉन डी एक्स, ये पहले वक्र की प्रवणता होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ से हम दूसरे वक्र की प्रवणता को निकालेंगे। ठीक, इसको आप कह सकते हैं m2, ये आपके पास हो जाएगा dy बाई dx, दूसरे वक्र का ओपनिंग करके वहाँ से m2 निकल जाएगा। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपके पास स्पर्श बिंदु होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वक्रों के समीकरण को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और प्रवणता आप उसमें निकालेंगे। और यहाँ पर वक्रों के समीकरण को हल करके क्या निकाल लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और इन्हीं प्रतिच्छेद बिंदु पर आप m1 m2 का मान निकालेंगे। ठीक, वक्रों का समीकरण है, इनको हल करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल आएगा, और फिर अवकलन करेंगे पहले वक्र का, उस बिंदु पर डी वाई डी एक्स निकालेंगे, दूसरे वक्र का अवकलन करेंगे, उस बिंदु पर डी वाई डी एक्स निकालेंगे। और जब ये आपके पास आ जाएगा तो अगर हम कहें यदि प्रतिच्छेद कोण थीटा है, प्रतिच्छेद कोण क्या है, थीटा है, तो फार्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ये डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर एंगल निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो टैन को आप पक्षांतर कर देंगे, ये टैन इनवर्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। अब इसमें आप कुछ नोट को ध्यान देंगे, अगर एम वन एम टू विपरीत चिन्ह हो, एक ऋणात्मक हो और एक क्या हो, धनात्मक, नंबर एक, यदि एम वन तथा एम टू विपरीत चिन्ह के हों तो ऋणात्मक मान में से धनात्मक मान घटाना चाहिए। ठीक है ना, ऋण चिन्ह वाले से क्या घटाएंगे, धन चिन्ह वाले को घटाएंगे। और अगर दोनों ऋणात्मक हों तो संख्यात्मक रूप से बड़े मान में छोटे मान घटाएंगे। ठीक है ना, यदि दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक हो तो संख्यात्मक रूप से बड़े मान में से छोटे मान को घटाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगला नंबर करते हैं वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध।
के स्पर्श करने का प्रतिबंध। अगर दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उस केस में क्या होगा, दोनों की जो प्रवणताएं होती हैं वो आपके पास बराबर होगी, M1 इज इक्वल टू M2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर स्पर्श करेंगे तो थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब थीटा अगर जीरो करें तो टेन जीरो जीरो हो गया, तो ये इधर पक्षांतर कर दिया, तो M1 माइनस M2 बराबर जीरो, तो M1 बराबर क्या आ गया, M2। तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है, M1 बराबर M2। और समकोणी होने का प्रतिबंध क्या है, वक्रों के समकोणीय होने का प्रतिबंध, ठीक है। यही समांतर का भी प्रतिबंध, ध्यान रखिएगा, स्पर्श करने है और वक्र समांतर है तो समकोणी होने का क्या प्रतिबंध है। अब समकोणी है तो इस केस में थीटा क्या होगा, 90। अब थीटा अगर 90 है तो ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो ये इधर पक्षांतर करेंगे और ये इधर गुणा होगा, तो 1 + M1 × M2 क्या जाएगा, 0। तो M1 × M2 बराबर क्या आएगा, -1। यानी दो वक्रों की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 है तो इसका मतलब वक्र क्या है, समकोणी है, या फिर कह सकते हैं कि वो क्या है, लंबवत है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, हाई स्कूल में आपने इसको डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर केवल प्रवणता का अंतर है, बाकी सब कुछ वैसे ही। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 6C। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता, या ये कहें कि ढाल, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो ए नंबर कह रहा है वक्र y इज इक्वल टू x² - 2x + 5 के बिंदु (5, 4) पर। बी नंबर कह रहा है वक्र (y² = 6x) के बिंदु (2, 3) पर। सी नंबर कह रहा है वक्र (y = 3x⁴) (-4x) के बिंदु (x = 4) पर। डी नंबर कह रहा है वक्र (x²+y²) = 13 के बिंदु
दो कामा तीन पर, और ई नंबर कह रहा है वक्र वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, जहाँ पर यक्स आपका क्या होना चाहिए, दो के इक्वल नहीं होना चाहिए, के बिंदु एक्स बराबर दस पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। और इसमें सभी में आपको प्रवणता यानी ढाल ज्ञात करनी है, और मैंने अभी बताया था कि प्रवणता क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी किसी वक्र का जब आप अवकलन कर देते हैं यक्स का सापेक्ष, किसी वक्र का जब एक बार अवकलन करते हैं तो वो उसकी प्रवणता कहलाती है, ठीक है। और जो बिंदु दिया होगा उस बिंदु पर आप डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे और वो आपकी स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ए, वाई इज इक्वल टू वक्र का समीकरण है आपके पास, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस फाइव, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, इसका अवकलन माइनस टू और फाइव का हो जाएगा जीरो। अवकलन आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं, तो चलिए किस बिंदु पर ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है पाँच कामा चार पर, यानी यक्स की जगह पे पाँच और वाई की जगह पे चार। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू आप रखेंगे जो भी आपके पास है डी आई डी एक्स का मान, तो वाई तो है नहीं तो केवल एक्स का मान आप रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा दो गुणे पाँच माइनस टू, तो पाँच गुना कितना हो गया दस माइनस दो यानी आठ। तो ये क्या आ गई प्रवणता आपके पास कितनी आ गई आठ आ गई, प्रवणता को आप ढाल भी कहते हैं, प्रवणता आ गई आपके पास आठ आ गई, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट का बी नंबर। अगला वक्र है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स, इसका आप अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है टू वाई, वाई का फिर से करेंगे डी आई बाई डी एक्स और सिक्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया थ्री अपान वाई। किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु आपको दिया गया है दो कामा तीन, दो कामा तीन पर जो आप डी आई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर केवल वाई का टर्म है, तो वाई का मान रख दीजिए तो थ्री थ्री कैंसिल, तो वैल्यू आ गई वन, तो प्रवणता कितनी आ गई एक आ गई, ठीक है। इस स्पर्शी की प्रवणता कितनी आ गई एक। इसी तरीके से आपके पास सी नंबर है, वक्र का समीकरण आपके पास दिया गया है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स की पावर फोर माइनस का फोर एक्स, अवकलन कर दें थ्री कांस्टेंट है, एक्स की पावर फोर का अवकलन फोर एक्स क्यूब और इसका हो जाएगा फोर, तो ये क्या हो जाएगा चार से बारह एक्स क्यूब और माइनस का चार। किस बिंदु पर निकालना है, एक्स बराबर चार पर, तो वाई की ज़रूरत है नहीं, अगर वाई की ज़रूरत होती तो पहले वाई का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू रख करके, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि वाई तो है नहीं तो केवल हम इसी से लेके चलेंगे, तो हो जाएगा फोर का क्यूब माइनस का चार, ठीक है। तो चलिए इसे गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा चार चौको सोलह चौको चौंसठ, तो बारह गुणे चौंसठ, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का कितना है आपके पास चार, ठीक है। तो ये जाएगा बारह चौक अड़तालीस आठ चार, ठीक है, बारह छंक बहत्तर चार कितना हो जाएगा तिहत्तर, और सात सौ अड़सठ में चार कटा दीजिए, तो ये आपके पास आ गया आंसर सात सौ चौंसठ सेवन सिक्स फोर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वन डी की,
वक्र दिया गया है आपके पास, वक्र का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर बिंदु 2,3 पर ज्ञात करना है, तो पहले इसका अवकलन करते हैं, तो 2x हो गया, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो गया, y का करेंगे डी बाई डी एक्स हो गया, और 13 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 dy/dx इज इक्वल टू माइनस dx, या पहले ही 2 हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो dy/dx का मान कितना आ गया, माइनस का x अपान वाई। किस बिंदु पर ज्ञात करना है, 2,3 पर। तो बिंदु 2,3 पर प्रवणता की बात करें तो x का मान 2 और y का मान 3, तो ये इसकी प्रवणता होगी। ठीक है, अब लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लैंग्वेज नहीं लिखा है, 1e की बात करें वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो ये आपका अनंत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हमें, x बराबर 10 पर आपको ज्ञात करना है। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो देखिए, जब y का अवकलन करेंगे तो dy/dx, और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या है, आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर का वर्ग, फिर क्या होगा, हर गुणित अंश का अवकलन, एक्स का वन वन का 0 हो जाएगा, और ऋण अंश गुणित हर का अवकलन एक्स का वन और 2 का 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और माइनस का एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 1 अपान एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगा। किस पे निकालना है, एक्स बराबर 10। तो जब एक्स बराबर 10 पर हम dy/dx की बात करेंगे तो माइनस का 1 अपान 10-2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस का 1/64। इसका मतलब इस पर स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी आ गई, माइनस का 1/64। स्पर्शरेखा की प्रवणता, या ये कहें कि ढाल, कितनी आ गई, माइनस का 1/64। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए आनत या झुकाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास ए नंबर, अगर हम बात करें तो वक्र y इज इक्वल टू, यहाँ पे आनत या झुकाव यानी थीटा आपको ज्ञात करना है, वक्र y इज इक्वल टू 2x² - 5 के उस बिंदु पर जहाँ x बराबर क्या है, 1। बी नंबर कह रहा है वक्र 2x²
प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन के बिंदु। चार कामा छः पर सी नंबर कह रहा है वक्र एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर वक्र एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट के। उन बिंदुओं पर जहां y इज इक्वल टू टू, ठीक है, डी नंबर कह रहा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू के बिंदु। वन कामा जीरो और टू कामा जीरो पर दोनों बिंदु पर इसमें ज्ञात करना है, दो बिंदुओं पर, ठीक है। तो ये आपके पास इसके चार क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। सेकंड पर वक्र दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अवकलन करिए इसका टी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स और फाइव का हो जाएगा जीरो, तो वैल्यू कितनी आएगी फोर एक्स रहेगी। तो डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पर डी वाई डी एक्स का मान निकालिए तो फोर टाइम्स इंटू वन यानी वैल्यू कितनी आ गई फोर। अब अगर हम ये कहें यदि स्पर्श रेखा का झुकाव थीटा हो, तो अगर स्पर्श रेखा का झुकाव थीटा है तो टैन थीटा का मान क्या होता है डी आई बाई डी एक्स होता है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार। अब टैन थीटा का मान इस पर तो होता नहीं आपके पास कोई फोर, उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो टैन को पक्षांतर कर दीजिए तो आ गया टैन इनवर्स फोर। तो ये हमारा आ गया झुकाव, ठीक है। चलिए सेकंड का बी नंबर देख लेते हैं। वक्र का समीकरण है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन, अवकलन करिए इसका तो टू एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का अवकलन टू वाई, वाई का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और टेन का हो जाएगा जीरो। टू कैंसिल आउट लेकर हटा सकते हैं तो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, देन डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन थ्री वाई। किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट दे रखा है चार कामा छः, तो डी आई बाई डी एक्स एट द पॉइंट फोर कामा सिक्स, एक्स की जगह चार वाई की जगह छः रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स की जगह चार रख दिया और वाई की जगह पर छः रख दिया, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट होगा दो तीन छः, तो माइनस का चार बटे नौ। तो यदि इस पर रेखा का झुकाव थीटा हो, यदि स्पर्श रेखा का झुकाव थीटा हो तो टैन थीटा कितना हो जाएगा डी आई डी एक्स हो जाएगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस का फोर अपॉन नाइन, इस पर भी कोई वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस का फोर बाई नाइन, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सी, ठीक है। सी नंबर कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट,
इसमें जो वक्र दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट, ये हमारे पास वक्र दे रखा है और कह रहा है कि वाई बराबर दो पे निकालना। देखिए यहाँ पे वाई बराबर दो कह रहा है, अवकलन करने पर यक्स तो आएगा ही, तो यक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। यदि वाई बराबर दो तो यहाँ पे जरा रखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू का स्क्वायर प्लस एट, दो दुना चार दुना आठ, तो यक्स स्क्वायर बराबर सोलह, तो यक्स का मान आ गया प्लस माइनस चार। तो यहाँ पर बिंदु क्या निकल रहे हैं, एक बिंदु निकल रहा है चार कामा दो और दूसरा बिंदु निकल रहा है चार माइनस चार कामा दो। ये आपके पास दो बिंदु निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास दो चुकाव होंगे। अब इसका अवकलन कर दीजिए, वक्र का समीकरण लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट और इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y और y का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx और 8 का हो जाएगा 0। 2 आप हटा सकते हैं तो x माइनस टू वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू x, तो y का मान कितना आ गया, dy बाई dx का मान कितना आ गया x अपॉन 2y। अब किस बिंदु पर बात कर रहे हैं, dy बाई dx एट द पॉइंट 4, 2। जब इस बिंदु पर हम बात करेंगे तो यक्स का मान 4 है और वाई का मान 2 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यदि झुकाओ यदि स्पर्शी का झुकाव क्या हो, थीटा 1 है, तो टैन थीटा 1 इज इक्वल टू डी आई वाई डी एस। हम थीटा 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो झुकाव है हमारे पास, तो ये जाएगा 1 टैन के किस एंगल का मान होता है 45 रेडियन में अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। एक आपके पास ये झुका हुआ आ गया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं डी आई बाई डी एक्स एट द पॉइंट माइनस 4, 2। अगर हम इसकी बात करें तो यक्स का मान आप क्या रखना है, माइनस 4, वाई का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, आप जानते हैं 135 अंश मान होता है इसका। यदि स्पर्शी का झुकाव थीटा 2 है, यदि स्पर्शी का झुकाव थीटा 2 है, तो टैन थीटा 2 इज इक्वल टू डी आई बाई डी एक्स, तो ये जाएगा माइनस 1। माइनस आप इस तरीके से रखें तो ये जाएगा पाई बाई 4। माइनस टेन कहाँ पर होता है, 180 माइनस थीटा पर, माइनस टेन पाई 4 को ऐसा आप ले सकते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3π/4। तो एक आपके पास ये झुकाव आ गया, तो दो आपके पास झुकाव आ गए, एक पाई बाई 4 आ गया और एक आपके पास 3π/4 आ गया, ठीक है। या सीधे आप ले सकते थे 135 अंश, ये 135 अंश झुका हुआ है और ये आपके पास 45 अंश का झुका हुआ है। तो ये सी नंबर था। तो डी नंबर बिल्कुल इसी तरीके से है, 1, 0 पर आपको निकालना है और 2, 0 पर निकालना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लगाएंगे। ये देखिए इसका अवकलन करिएगा डी आई वाई डी एक्स और यहाँ पे 5 सेकंड लग जाएगा, ठीक। और 5 सेकंड लगाने के बाद जब आपके पास डी आई निकल आएगा तो पहले 1, 0 पर डी आई निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दो बिंदु मिल रहे थे ना, ठीक इसी तरीके से। तो पहले हमने इस पर निकाला और झुकाव निकाला और फिर इस पर निकाला डी आई का मान, ठीक है, और फिर इस पर झुकाव निकाला। तो ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1, 0 पर डी आई निकालेंगे और 1, 0 पर डी आई निकालने के बाद आप उस पर झुकाव निकाल लेंगे, ठीक। फिर 2, 0 पर डी आई निकालेंगे और उस पर आप झुकाव निकाल लेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, ये आपका होमवर्क है। तो आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। Okay.